हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आप कहीं से भी है, ड्राफ्टमैन सिविल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप एमपी से हो। ठीक है, जिसका भी एग्जाम पंजाब का है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, चाहे आप एमपी का है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ड्राफ्टमैन कहीं भी चेंज नहीं होता। चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे कोई भी स्टेट से हो, ड्राफ्टमैन कभी चेंज नहीं होता। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, जिसका परसों पेपर है पंजाब का और 16 तारीख के पेपर है, उसके लिए तो ये रामबाण रहने वाला है। ठीक है, इसमें मोस्ट बता दूं आपको 90 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पास सिलेक्शन की एक तरफ से है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन मैसनरी यूज फॉर इरेगुलर साइज एंड शेप। ठीक है, 90 क्वेश्चन है, तेजी से ले जाएंगे, जल्दी करेंगे, हम सोचेंगे 30 मिनट में 90 क्वेश्चन कर लें। ठीक है गाइस, जल्दी करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको देखना है, बस सुनना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल दे देंगे। ठीक है, जिसने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेने हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकता है 35 पीडीएफ। ठीक है, वो भी व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको शो कर देंगे व्हाट्सएप नंबर। तो क्या बोल रहा है, ठीक है, इरेगुलर साइज एंड शेप। ठीक है, किसका? स्टोन मैसनरी का। मैंने पहले ही बताया था आपको, रैंडम रबल मैसनरी। ठीक है, अगर एसलर रबल मैसनरी की बात करें, ठीक है, सबसे बेस्ट मैसनरी कहते हैं एसलन मैसनरी। ठीक है, सॉरी, एसलन मैसनरी होती है, रबल नहीं होती। एसलन मैसनरी सबसे बेस्ट होती है, जो क्या होती है, रेगुलर साइज एंड शेप की होती है। ठीक है, इसमें डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक वॉल आर मेजर। ब्रिक वॉल किसमें मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट। ये आपका एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका मीटर स्क्वायर रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, ये आपका मीटर क्यूब रहता है वॉल्यूम। ठीक है, कितना होता है? 0.01 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखें तो हम ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इन पब्लिक बिल्डिंग द मिनिमम ट्रेड वेस्ट शुड बी, जो आपके पास पब्लिक बिल्डिंग में ट्रेड रहता है, जो भी आपके पास क्या होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में होता है, और ये राइस होता है वर्टिकल में, स्टीयर की बात करें तो कितना होता है? 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, वही मिनिमम ट्रेड कितना रखा था? 30 सेंटीमीटर पब्लिक बिल्डिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेसल सूट नेवर बी यूज्ड विद अ मैलेट। ठीक है, उसको क्या मतलब बोला जाता है? आप लोगों को पता होगा चेसल मतलब क्या होता है, छेनी, हिंदी में बता देता हूँ। मैलेट मतलब क्या होता है? आपके पास हथौड़ा। ठीक है, काई का हथौड़ा होता है, कैसा हथौड़ा? लकड़ी का हथौड़ा। ठीक है, तो उसको कहते हैं पेरिंग चेसल बोला जाता है। ठीक है, जो आंसर होगा आपका पेरिंग चेसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात करते हैं, बस आपने सुनना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप लोग डायरेक्ट देख लेना, आंसर इसी में मिलेंगे बट आपको। ठीक है, वीडियो में ही आंसर आपको मिल जाएंगे। द ब्रिक लेट विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल इज नोन एज। अब बात कर लें आपको लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, जब भी लेंथ के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेंथ नहीं दिया होता, यहाँ पे ब्रिक दी होती, ठीक है, तो क्या हो जाता? हेडर हो जाता। अभी आपको क्या दिया है? लेंथ दी है, तो आपके पास स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, द टेम्परेरी स्ट्रक्चर बिल्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट मैसन अट डिफरेंट लेवल। ठीक है, इसी क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है आपको, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे आउटर वॉल में पेंटिंग वेंटिंग करनी है, ठीक है, या स्ट्रक्चर को बढ़ाना है, या आपको प्लास्टरिंग करनी है, तो यहाँ पे बैम्बो की या फिर स्टील की आप लोगों ने क्या, स्कैफोल्डिंग लगा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ बॉटम पोर्शन व्हेन लेइंग ब्रिक इन हेडर या फिर स्ट्रक्चर कोर्स इन ब्रिक मैसनरी, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, बॉन्ड, बेड, जॉइंट या फिर स्ट्रक्चर, उसको क्या बोला जाता है? रद्दा, बेड बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड फॉर ब्रिक ब्रेक द ब्रिक इज, ईंट को तोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? हैमर यूज किया जाता है, लकड़ी का हथौड़ा। ठीक है, वो भी कौन सा? लकड़ी वाला हथौड़ा, ठीक है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मैसनरी इज विच स्टोन ऑफ इरेगुलर साइज एंड शेप आर यूज एंड देर इज नो रेगुलर कोर्सेस। आप लोगों को बताऊंगा मैंने, ठीक है, अनकोस्ट रबल मैसनरी के, रबल मैसनरी के अंदर ही आते हैं सब कुछ। ठीक है, अनकोस्ट रबल, रैंडम रबल मैसनरी, पॉलीगन रबल मैसनरी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी एक क्वेश्चन आया था, अनकोस्ट रैंडम रबल मैसनरी। ठीक है, इरेगुलर शेप एंड साइप का यही आपके पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आर ब्रिक इन कट ऑफ लेंथ वाइज द कट आउट ब्रिक आर कॉल्ड क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, कॉर्बल या फिर बेड। ठीक है, किसके लेंथ वाइज आपने इसको काट दिया, उसको क्या बोला जाता है? उसका क्वीन क्लोजर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एक्सटर्नल कॉर्नर इन ब्रिक मैसनरी इज कॉल्ड, एक्सटर्नल कॉर्नर बोल रहा है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री में
ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको होता है क्वीन बोला जाता है, जहाँ पर से आपके पास वॉल चेंज हो जाती है एक्सटर्नल कॉर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल इन स्टोन मैसनरी कैन नॉट बी लेस देन। अगर हम बात करें इसमें कितनी होती है मिनिमम थिकनेस स्टोन मैसनरी के लिए, ठीक है, कितनी होती है मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल, 350 mm होती है, ठीक है, कितना 35 सेंटीमीटर। अगर वही बात करें, अगर इसने यहाँ पे स्टोन मैसनरी नहीं दी होती, अगर इसने दी होती ब्रिक वॉल के लिए, कितनी होती है ब्रिक वॉल के लिए कितनी होती है, 100 mm रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आंसर क्या हो जाएगा, स्टोन मैसनरी तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्राफ्टमैन के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं हम लाते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ड्राफ्टमैन ईजी लगने लग जाए, ठीक है गाइस। तो देखिए बहुत से कम चैनल वाले ड्राफ्टमैन का कोर्स कराते हैं, जो कराते हैं, ठीक है, वो आपको जेई लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। इसमें आप देखेंगे ड्राफ्टमैन में एनसीबीटी से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच ऑल कोर्स आर लेट एस स्ट्रक्चर इज नोन एज, स्ट्रक्चर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड या फिर फ्लेमिश बॉन्ड। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, अब सारे ही कोर्स क्या बोल रहा है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर रखाए हैं, ठीक है, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, तो क्या होगा, स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। द स्टोन मैसनरी मेड ऑफ प्रॉपरली ड्रेस्ड इज नोन एज मैसनरी, तो ड्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, अभी बताता हूँ, प्रॉपरली ड्रेस्ड तो एसलर मैसनरी हो जाएगा इसका, ठीक है, जो बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिश बॉन्ड हैव डेस्ड अपेरेंस देन दैट ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड कैसी होती है आपकी, गुड, बेटर या फिर, ठीक है, बैड या वॉरिस्ट, ए बी सी या फिर डी, तो आपके पास बेटर होती है, आपका फ्लेमिश बॉन्ड बेटर अपेरेंस देता है, ठीक है, किसके, इंग्लिश बॉन्ड से। इंग्लिश बॉन्ड देखिए दिखने में उतनी सुंदर नहीं होती, बट ये इंग्लिश बॉन्ड जो होती है आपके स्ट्रांग होती है, ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड से स्ट्रांग होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है, दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं होती है, ठीक है, तब हम फ्लेमिश बॉन्ड को ज़्यादा बेटर अपेरेंस मानते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक्स शुड बी लेड विथ देयर फ्रॉक्स, ठीक है, तो ए बी सी या फिर डी, फ्रॉक का कहाँ पे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आपके पास डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में नहीं, अपरवर्ड्स में लगाया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉक का कहाँ पे लगाया जाता है, अपर में, अपरवर्ड्स में लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस लिए लगाया जाता है, ताकि आपके पास जॉइंट जो ब्रिक मैसनरी और यानी कि ब्रिक एंड मैसनरी में जॉइंट अच्छे से लगा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन क्लोजर इज ऑब्टेन बाय कटिंग द डेडेस्ट पार्ट ऑफ ब्रिक लेंथ वाइज। अब आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था क्वीन क्लोजर कैसे काटा जाता है, आधे से काट दिया जाता है, हाफ से काट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉट मोर देन डेडेस्ट मीटर हाइट ऑफ वॉल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अ डे, कितना, 1.5 मीटर से आप लोग ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, तो इसका कितना, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, ठीक है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वॉल लेस देन डेढ़ एमएम थिकनेस। अब सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पास 1.5 मीटर ब्रिक की होती है, ठीक है, यानी कि एक 20 सेंटीमीटर की होगी और एक आधी और ली जाती है कितनी, 10 सेंटीमीटर की, तो आपके पास कितनी होगी, टोटल 30 सेंटीमीटर की रहेंगी, यानी कि 30 mm की, ठीक है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल की नहीं होती है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की नहीं ली जाती है, सीधे डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर की ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 300 mm हो जाएगा। द स्टोन विच एक्सटेंड थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ वॉल इज कॉल्ड डेडेस स्टोन, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, 21 का उसको बोलता है थ्रोट बोला जाता है, आपके पास दोनों ही साइड में स्टोन देखेगी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, ठीक है, तो उसको थ्रो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी, कितना, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, 500, ठीक है। अ स्पेशल कोर्स प्रोवाइड एट द एक्सपोर्ट टॉप ऑफ वॉल ऑफ प्रिवेंट रेन वाटर एंटर इन टू द वॉल इज कॉल्ड कूपिंग, टूपिंग, कवरिंग या फिर फिलिंग, उसको क्या बोला जाता है, कूपिंग बोला जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग एंड वर्किंग विद द मोटार और या फिर सीमेंट स्लरी ओवर द स्टोन फॉर फिलिंग जॉइंट एंड क्रैक, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपके पास, अगर हम किसी सीमेंट की स्लरी में हम फिलिंग कर रहे हैं स्टोन मैसनरी में
या जॉइंट में, क्रैक में, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है आपके पास ग्राउटिंग करना, ठीक है, ग्राउटिंग करना। तो इंजेक्शन की सहायता से करते हैं, ठीक है, तो ग्राउटिंग, तो प्लास्टिंग तो होगा नहीं, मोल्डिंग भी आपको नहीं पता। मोल्डिंग क्या होता है? मोल्ट करना, मोल्ट किसी भी साइज को आकार में ढालने का काम करता है मोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउटिंग हो जाएगा। कंपोजिट मैसनरी इज वन इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ मोर्टार आर यूज्ड ऑन डेड डेस ऑफ वॉल फेसिंग बैकिंग या फिर ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए और बी दोनों, फेसिंग और बैकिंग दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर चेकिंग द वर्टिकल लेवल ऑफ मैसनरी वॉल, ठीक है, वर्टिकल लेवल बता रहे हैं। तो आपके पास कैसे, आपके पास मैसनरी वॉल को चेक किया जाता है, कौन से टूल से, ठीक है, तो प्लम्ब ऑफ, वाटर लेवल, थ्रोवेल, लाइन एंड पाइप्स, ठीक है। तो उसको कैसे दिखाया जाता है? प्लम्ब ऑफ की सहायता से चेक किया जाता है कि सीधा है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगुलर शेप्ड पोर्शन ऑफ मैसनरी एट द एंड ऑफ स्लोप रूफ इज कॉल्ड ए बी सी या फिर डी, ठीक है। तो गैबल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ट्रायंगुलर पोर्शन, मैसनरी की बात करें, ठीक है। यानी आपके पास क्या बोल रहा है, ठीक है, तो गैबल कितने उसमें होता है? टू स्लोप में होता है, एक साइड इधर होगा, ठीक है, एक साइड, दूसरी साइड ये होता है आपके पास, ठीक है, दो स्लोप में गैबल होता है। गैम्ब्रेल भी दो साइड में होता है, ये होता है गैम्ब्रेल, ठीक है, ये भी टू स्लोप में होगा, ये क्या होगा? ब्रेक, ठीक है, ब्रेक में, कि ब्रेक में स्लोप होता है, ये विदाउट ब्रेक स्लोप होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हिप की बात करें, इसमें फोर स्लोप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लोजर इज मेड बाई कटिंग अ ब्रिक लेंथ वाइज इंटू टू पोर्सन, ठीक है। अभी बताया था आपको लेंथ वाइज काट देंगे तो उसको क्या बोला जाता है? क्वीन क्लोजर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज मोस्टली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में? तो ये किया जाता है इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रांग भी होता है, ठीक है। द स्टोन आर प्लेस्ड एडजस्ट टू ईच अदर विद स्क्वायर्ड फेस अबटिंग ईच अदर इज कॉल्ड डेड डेस जॉइंट। तो उसको क्या बोला जाता है? एक के ऊपर एक रखना, ठीक है, टेबल या बट या फिर टन, तो उसको क्या होता है? बट, ठीक है, बट ये आपके पास बट जॉइंट कहलाता है, ठीक है, इस टाइप का बट जॉइंट, जैसे आपने स्टील में पढ़ा होगा बट जॉइंट, ठीक है, दो पैरेलल के संग एक के ऊपर एक, तो उसका ईच अदर स्क्वायर्ड अबटिंग ईच अदर इज कॉल्ड बट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोला है? हिंज यूज इन ऑर्डिनरी बिल्डिंग इज यूज, ठीक है, बट हिंज, स्ट्रैप हिंज, पैक लॉक या गार्नेट हिंज। आप लोगों ने देखा होगा डोर में लगाया जाता है हिंज, ठीक है, हिंज जो आपको डोरों में लगाए जाते हैं कितने होते हैं? फोर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो बट हिंज लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग द विड्थ ऑफ डोर शुड नॉट बी लेस देन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कितना नहीं होता है, ठीक है, 0.75 मीटर आपके पास इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें द मेंबर ऑफ यूज्ड इन डोर फ्रेम, डोर फ्रेम इज कॉल्ड, डोर फ्रेम में कौन सा मेंबर होता है आपके पास? पोस्ट, पोस्ट होता है, ठीक है, आप लोगों ने डोर को देखा होगा, हॉर्न होता है इतना पोर्शन, ये आपके पास क्या होता है? पोस्ट रहता है, ठीक है, पोस्ट होता है, सिल ये आपका विंडो में रहता है, हैंगिंग स्टाइल भी विंडो में, ये लगभग हैंगिंग स्टाइल आपके पास एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में देखने को भी मिल जाता है, ठीक है, रेल, रेलवे तो आपके पास रेल में देखने को मिलेगी, ठीक है, पोस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मटेरियल यूज्ड इन अ डोर फ्रेम इज कॉल्ड, डोर फ्रेम में कौन सा मटेरियल? वुड, स्टील, एल्यूमिनियम या फिर ऑल ऑफ दीज। आप लोगों ने देखा होगा डोर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये स्टील के भी, वुड के भी, एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्सन ऑफ वॉल लेफ्ट ऑन द फेस ऑफ द डोर और विंडो इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है आपके पास? रेवल बोला जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा डोर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा कट होता है, ठीक है, जिससे दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है, कट होता है, हमने देखा होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेबल बोला जाता है। द हॉरिजॉन्टल मेंबर फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल मेंबर पूछा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर पूछ रहा है, तो आपके पास देखेंगे आपने जब भी विंडो, ठीक है, विंडो या विंडो में ही आपके पास सील लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बॉटम फ्रेम में, इसको सील बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द यूज फॉर एयर ड्रॉप इन इन डोर्स, ठीक है। तो क्या यूज किया जाता है फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द डोर फ्रेम इज कॉल्ड। अब वर्टिकल मेंबर बोल रहा है जो डोर को, डोर के फ्रेम को सपोर्ट करता है, सिल, स्टाइल, पोस्ट या फिर जैम, कौन होता है, जैम कहलाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा वो वर्टिकल पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज फॉर मार्किंग द स्लिप्स, उसको क्या बोलता है, हाउसिंग ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द टॉप या फिर अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट फ्रेम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलता है, हेड बोला जाता है, टॉप, ठीक है, डोर का हेड बोला जाता है। द एक्सटर्नल जैम्प ऑफ अ डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल टू द वॉल फेस इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन आया था आपके यहाँ, रिवल हो जाता है, घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इज अ वर्टिकल विंडो प्रोवाइड इन अ गैबल एंड ऑफ रूफ इज कॉल्ड, उसको क्या बोला था, गैबल विंडो, गैबल विंडो, वर्टिकल विंडो प्रोवाइड अ गैबल एंड ऑफ रूफ, ठीक है। केसमेंट विंडो, डॉर्मर विंडो आप लोगों ने देखा होगा, स्लोप में लगाया था, बे विंडो भी होती है, ठीक है, केसमेंट विंडो भी होती है, तो ये आप लोग सब लोग देख लेना। द प्रोजेक्शन इन विच हेल्प इन सिक्योरिंग द हेड ऑफ अ डोर फ्रेम टू द मैसनरी आर कॉल्ड, उसे क्या बोला था, हॉर्न बोला जाता है, ठीक है। डैश डैश इज अ टाइप ऑफ केसमेंट विंडो इन विच द पैनल आर फुली ग्लेस्ड, तो उसको क्या बोलता है, ग्लेस्ड विंडो बोला जाता है, यानी कि कांच वाली विंडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द ओपनेबल पार्ट ऑफ द डोर और विंडो इज कॉल्ड, ओपनेबल पार्ट कौन सा होता है, तो आपने देखा होगा शटर होता है, शटर कुछ नहीं होता, जो दरवाजा होता है इसको खोलना और बंद करना ही इसको शटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोर इज मोर सुटेबल फॉर एंट्रेंस ऑफ द डोर गोदाम सेट्स शॉप्स एंड शोरूम इज कॉल्ड, उसमें कौन सा डोर लगाया जाता है, गोदाम शॉप शोरूम्स में स्लाइडिंग डोर वहाँ पे सुटेबल रहता है, एंट्रेंस में क्या होता है, स्लाइडिंग डोर लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्रैक्स विच पार्सली या फिर कम्प्लीटली सेपरेट टू द फाइबर ऑफ द वुड इज कॉल्ड सेक्स बोला जाता है, ठीक है। आप लोग नॉट्स मतलब गांठे होना, ठीक है, सेक्स बोला जाता है, जो आपके पास बाहर को क्रैक बढ़ते रहते हैं उसको सेक्स बोला जाता है। द कर्व यूज फॉर आइडल ट्रांजिशन कर्व इज कॉल्ड, उसको क्या बोलता है, आइडल ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा है, क्यूबिक पैराबोला, कैथोडिक स्पाइरल, क्यूबिक स्पाइरल, लैंडस्केप, तो वो क्या होता है आपके पास, आइडल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, कैथोइड स्पाइरल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कैथोइड स्पाइरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। द सिटी रोड विच आर मेंट फॉर थ्रो ट्राफिक यूजुअली अ कंटिन्यूअस रूट आर नोन एज, उसके बाद क्या बोला था, आर्टेरियल स्ट्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ रोड्स फॉर हाई स्पीड व्हीकल इज नोन एज, मोटरवे, एक्सप्रेसवे, शोल्डर या कैरिज वे, तो देखिए होता तो दोनों ही है आपके पास, ठीक है, ये भी आंसर दोनों ही करेक्ट होते हैं, मोटरवे भी, एक्सप्रेसवे भी, बट यहाँ पे अगर ए और बी दिया होता तब आपके पास बोथ लगाते, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, मोटरवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ रोड इज कॉल्ड वेयरिंग लेयर, हाँ जी, वेयरिंग कोर्स भी हो जाता है, रोड सर्फेसिंग, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द राइसिंग ऑफ आउटर एच ऑफ द रोड अबव द इनर एच ऑफ द इज नोन एज, उसको क्या, सुपर एलिवेशन, कांट, बैकिंग, ऑल ऑफ दिस, देखिए उसको सुपर एलिवेशन को कैंट भी बोला जाता है, बैकिंग भी बोला जाता है, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हिल रोड, हिल रोड के लिए दी जाती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब होता है आपके पास स्लोप ही होता है, ठीक है, तो 1 in 15 इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट शुड नॉट बी प्रोवाइड इन अ लेंथ मोर देन 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या 100 mm, तो 100 mm उसका करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रोड सरफेसिंग शुड बी स्टेबल, ड्यूरेबल, इम्परवियस, ऑल ऑफ दिस होने चाहिए रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिस्कोप, द एनिस्कोप इज यूज फॉर डिटरमिन, एनिस्कोप का यूज कहाँ पे करते हैं, स्पॉट स्पीड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेवल रोड द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इज,
ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, सीमेंट होगा या फिर लाइम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंट ही हमको दिख रहा है बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रोड कांग्रेस कब आई थी, 1934 में आई थी, 1934 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोड कनेक्टिंग वन टाउन विद अदर इज कॉल्ड, तो हाईवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोड को एक टाउन से दूसरे टाउन में कनेक्ट करता है हाईवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोर्शन ऑफ द रोड फॉर हाई स्पीड व्हीकल इज नोन एज, तो कौन सी थे, मोटरवे, एक्सप्रेस वे, या फिर आपके बोथ ए और बी, या फिर कैरिज वे, द पोर्शन ऑफ रोड हाई स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास, बोथ हो जाएगा, ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन अंडरग्राउंड पासेज यूज्ड फॉर पेडिस्टल व्हीकुलर ट्राफिक ईटीसी इज कॉल्ड, पेडिस्टल मतलब पैदल वाली यात्रा, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सबवे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड कनेक्टिंग विलेज विद द टाउन्स या फिर सिटीज आर क्लासिफाइड एज, अब टाउन की बात कर रहा है तो, ठीक है, टाउन या फिर सिटी आर क्लासिफाइड एज विलेज के लिए, विलेज के लिए तो विलेज ही रोड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्बर इस रोड, कैम्बर क्यों प्रोवाइड कराया जाता है रोड में, ताकि आपके पास जो भी ड्रेनेज, ड्रेनेज का पानी होता है, ठीक है, बारिश का पानी ड्रेन हो जाए, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, इफेक्टिव ड्रेनेज है, भी प्रॉपरली साइड ड्रेनेज नहीं, ठीक है, सेंट्रल नहीं, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट एज पर IRC, कितना होता है, 1:30 होता है और 1:48 होता है, तो 1:30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्सन ऑफ रोड सर्फेस विच इज़ यूज बाई द व्हीकुलर ट्राफिक इज नोन एज, तो किसमें होता है आपका, शोल्डर में थोड़ा चलती है गाड़ी, ठीक है, शोल्डर में तो पैदल चलते हैं, ठीक है, जो पब्लिक चलती है उसमें, यहाँ पे किनारे में शोल्डर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे चलती है, एक्सप्रेस वे में नहीं चलते, कैरिज वे में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें एज पर IRC द कैम्बर ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए, ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए कितना होता है, कैम्बर 1:62, 1:50, ठीक है, तो ये लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट फॉर व्हीकुलर, सॉरी, वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड, तो आपके पास क्या बोल रहा है, कभी भी मैक्सिमम डिज़ाइन बोलेगा तो मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट किसके लिए, रूलिंग ग्रेडियंट के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस वे आर टाइप ऑफ, क्रॉस वे कैसा होता है, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, कई टाइप होता है क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अगला क्या कहता है, एज पर IRC द मिनिमम ब्रीथ ऑफ मीडियम इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज के कितना होता है, 5 मीटर होता है, ठीक है, 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBR टेस्ट इज वाइडली यूज फॉर डिज़ाइन फॉर, यानी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो किसके लिए डिज़ाइन की जाती है, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए डिज़ाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बिटुमिन पेमेंट कैसी होती है, फ्लेक्सिबल ही होगी, फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, रिजिड पेमेंट कौन सी होती है, कॉन्क्रीट वाली होती है, ठीक है, कॉन्क्रीट की जो पेमेंट होती है वो रिजिड पेमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, ठीक है, एज पर IRC द मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ व्हीकल शुड बी, कितनी होती है, मैक्सिमम ब्रेथ कितनी होती है, 2.44 मीटर होती है व्हीकल की, ठीक है, कितनी होती है, गाड़ी की ब्रेथ 2.44। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड्स, यानी कि रोड के दोनों ही साइड आप प्लांट लगा रहे हैं, गिविंग सेट ट्रेवल्स एंड द रेस्ट हाउस वेयर प्रोवाइड ड्यूरिंग द रिगाइंग ऑफ, किसने कहा था, अशोका ने कहा था, ठीक है, अशोका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट रोड्स प्रोवाइड फॉर डाइवर्ट ट्राफिक टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड, तो कौन रुकावट पैदा करता है, लूप रूट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसलैंड आर रेस्ट एरिया कंस्ट्रक्टेड विद इन द कैरिज वे टू बी प्रोवाइड फिजिकली चैनल टू द गाइड ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, तो उसको कौन सा ट्रैफिक आइसलैंड बोला जाता है, आइसलैंड मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, हिस्सा, ठीक है। अ रोड विच कैरी अबव 600 व्हीकल पर डे चल रहे हैं, ठीक है, उसको कौन सा हैवी ट्रैफिक बोला जाएगा, तो यहाँ पे वेरी हैवी ट्रैफिक बोला जाता है, अगर 600 व्हीकल अगर आप पर डे चल रहे हैं, ठीक है, उससे ऊपर चल रहे हैं तो वेरी हैवी व्हीकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अ सर्कुलर कर्व दैट कंजिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस एज टेंजेंशियल टू द बोथ द स्ट्रेट लाइन, तो उसको सिंपल कर्व बोला जाता है, ठीक है, अगर आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा सर्वे में भी यूनिफॉर्म होता है जिसके एक ही रेडियस होती है, रेडियस वन, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सिंपल कर्व बोला जाता है।
अगर डिफरेंट कर्व होगा तो रिजर्व कर्व बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ वेंट पाइप, उसे क्या कहा जाता है, काउल बोला जाता है, ठीक है, काउल में टॉप ऑफ द प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल कटिंग ऑफ अ रिवर बेड इज नोन एज, उसको 1.667 मीटर वर्टिकल कट कर दिया जाता है, ठीक है, रिवर की बेड को। द सर्कमफेरेंस रोड कंस्ट्रक्टर अराउंड एंड द अर्बन एरिया टू इनेबल फ्री फ्लो ऑफ ट्राफिक इज डेडेडेस रोड, यह आपका इंजीनियर यानी कि आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर है। सर्कमफेरेंस, ठीक है, अर्बन एरिया के लिए कौन सा होता है, वो आपके पास रिंग रोड बनाई जाती है, ठीक है, हाईवे का ये क्वेश्चन है, रोड का यानी कि ये रोड के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 80 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ये अब 81 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ब्रिज से डाले गए हैं, जिससे ब्रिज के कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास, ब्रिज के पहले भी क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ठीक है, उनको भी पहले कर लेना। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज इंक्लूडेड, तो ब्रिज का जो सुपर स्ट्रक्चर में गर्डर या फिर स्लैब कहा जाता है, ठीक है, आप लोग गर्डर लगाए जाते हैं या फिर उसको स्लैब बोला जाता है ब्रिज में, ठीक है। पियर्स आपको पता है, अबेडमेंट और पियर्स, जो भी आपके यहाँ ब्रिज मान लीजिए, ठीक है, ये कोई ब्रिज है, इसको अबेडमेंट बोला जाता है, जो भी स्टार्टिंग के रहते हैं और एंड के रहते हैं उसको अबेडमेंट बोला जाता है, जो बीच वाले होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं उसको पियर्स बोला जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, आ डेडेडेस इज अ स्ट्रक्चर बिल्ड टू स्पान अ वैली रोड रिवर और एनी अदर फिजिकल ऑब्स्टिकल, तो उसमें क्या बनाया जाता है, ब्रिज बना दिया जाता है, ठीक है। अ ब्रिज इज स्ट्रक्चर बिल्ड टू स्पान अ वैली, जब भी रोड रिवर एनी कोई भी फिजिकल ऑब्स्टिकल आता है तो ब्रिज बना दिया जाता है, ब्रिज को बिल्ड कर बना दिया जाता है, बिल्ड कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ ब्रिज बिल्ड यूजिंग कैंटीलीवर, तो उसमें क्या होता है, कैंटीलीवर ब्रिज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलवर्ट हैज अ स्पान इज लेस देन द मीटर, कितना, 6 मीटर से कम होता है, ठीक है, कलवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ इंटरमीडिएट सपोर्ट इन द ब्रिज ऑफ द, उसको क्या इंटरमीडिएट अभी बताया था, पेयर ऑफ बोला जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, स्कोरिंग डेडेड स्टेबल ऑफ द ब्रिज, वो क्या होता है आपके पास, डिक्रीजिंग हो जाती है, जब भी स्कोरिंग डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्री बोट इज, कितनी होती है मिनिमम वैल्यू फ्री बोट की, 60 सेंटीमीटर होती है। अब फ्री बोट क्या होता है, ठीक है, वो आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई, आपके पास यहाँ पे रिवर है, ठीक है, जो भी आपका टॉप पोर्शन है यहाँ तक रिवर है, इनका जो टॉप पोर्शन से, रिवर के टॉप पोर्शन से यहाँ के टॉप पोर्शन तक, इसको फ्री बोट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ ग्रेडियंट ऑफ रॉक फिल कॉपर डैम, इसका रेशियो होता है, वो आपके पास 1:1 रखा जाता है, ठीक है, ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैब ऑफ स्लैब कलवर्ट इज मेड ऑफ क्ले फ्री बोट, तो RCC के तो बनाए जाएंगे स्लैब, जो स्लैब के कलवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इन केस ऑफ डेक ब्रिज द प्लेटफॉर्म ऑफ द ब्रिज इज सपोर्ट ऑफ, तो कहाँ पे सपोर्ट करता है, एट द सपोर्ट ऑफ ब्रिज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के जाइए, ठीक है, और बाकी आप लोगों ने हमसे, ठीक है, कुछ बता देते हैं, 35 PDF जिसने भी लिए अच्छे से करके जाना, PDF को और YouTube की वीडियो को भी अच्छे से देख के आना, वहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि 60 से 70% हम गारंटी देते हैं हमारी PDF और YouTube की वीडियो से ही आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ये 90 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है, तो लाइव तो नहीं आ पाए हमने, ठीक है, तो यहाँ पे लाइव की तरफ हमने डाल दिया, अगर जिसको भी PDF चाहिए वो हमसे अभी भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, इम्पोर्टेंट भी करके जा सकता है वो PDF, 35 PDF में से इम्पोर्टेंट करके जाना, ठीक है, चाहे आप लोग अभी लें, ठीक है, आज लें PDF, ठीक है, कल तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और सर्वे, इंजीनियरिंग और कैट, इस टाइप के आप लोग ले सकते हैं, इरीगेशन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पढ़ के चले जाना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए आज के दिन, ठीक है। और ये PDF हमसे, हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग ले सकते हैं, मिनिमम प्राइस में होगी, ठीक है, तो 150 रुपये के लिए आप लोग अपना सिलेक्शन ना छोड़ें, जल्दी से ले लीजिए PDF, अभी भी मौका है, इतनी सब्जेक्ट करके जाना, ठीक है, चाहे आप कल की, आज के दिन इतनी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आज दम लगा लीजिए अपना, ठीक है। बाय द वे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ड्राफ्टमेंट की हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।